हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में रिमझिम बारिश के बीच मनाया आजादी का पर्व। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया झंडारोहण। जोधपुर में आजादी का पर्व रिमझिम बारिश के बीच मनाया गया, जहां मुख्य जिला स्तरीय समारोह राजकीय उम्मेद स्टेडियम में सुबह 9 बजे आयोजित हुआ, जिसमें संभाग के आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने झंडारोहण किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। संभाग के आयुक्त ने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया तथा विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास की सलामी ली। समारोह में अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा ने राज्यपाल का संदेश प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने परेड कमांडर पुलिस लाइन निरीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में प्रथम बटालियन RAC राजस्थान पुलिस पुरुष, राजस्थान पुलिस महिला, होमगार्ड पुरुष, होमगार्ड महिला, स्काउट गाइड व राजस्थान पुलिस व RAC बैंड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया तथा सलामी मंच पर सलामी ली। राजस्थान पुलिस बैंड व RAC की टुकड़ियों ने बैंड की मधुर धुनें प्रस्तुत की। समारोह में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं जोधपुर विकास प्राधिकरण में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त एवं JDA अध्यक्ष डॉक्टर समित शर्मा द्वारा झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।